तो हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि एक पूरा महीना निकल चुका है भाई वीडियो के आए हुए, तो इसलिए आज हम आ चुके हैं वापस से मिनी मिलिशिया के अंदर। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो अभी भी इन प्रोग्रेस के अंदर है, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन उसके पहले मैंने ये वीडियो डाल दी ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि मैं चैनल्स के ऊपर से इनएक्टिव हो चुका हूँ। तो गाइस इसलिए अभी फिलहाल और भी ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे गेम प्ले की तरफ। और हाँ, एक तो ये वाला ग्लिच चल रहा है, पता नहीं भाई स्टार्टिंग में मैं स्पॉन होता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी मतलब कोई भी वेपन नहीं है। यहाँ पे देखो वेपन का साइन भी नहीं है और ना नीचे के कंट्रोल्स कुछ आ रहे, बस मैं उड़ के मर सकता हूँ इधर उधर जाके एंड फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। पता नहीं कौन सा ग्लिच है ये। और एक और चीज़, मैंने यहाँ पर 3-4 मैच खेले थे अभी आउटपोस्ट के अंदर इसके पहले, लेकिन भाई उसके अंदर इतने ज़्यादा हैकर्स मिले और फिर मैं ये सोच रहा था कि भाई थोड़ा सा इनएक्टिव क्या हुआ, इतने ज़्यादा हैकर्स पता नहीं कहाँ से आ गए। एंड ये हैकर्स को निकालने का तो भाई एक ही तरीका है, थोड़े डेवलपर्स से बात करनी पड़ेगी एंड यहाँ पर सर्वर्स को वापस मेंटेनेंस के अंदर लाना पड़ेगा, वरना एक जो है एक तो ये ग्लिच जो चलाए नया और ऊपर से जो हैकर्स आ रहे ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं भाई, बहुत ज़्यादा गंदे। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जब पहले मैंने 3-4 मैच खेल के देख लिया आउटपोस्ट के अंदर, फिर मेरे को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा हैकर्स नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि यार एक बार हम यहाँ पर दूसरे मैप के अंदर भी ट्राई कर लेते हैं, वरना मैं गिव अप करने वाला था। मैं सोचा था कि 4.2.8 वर्जन डाउनलोड करके मेरे को उससे वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैकर्स आ चुके हैं, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पर कैटाकॉम्स के अंदर आके देखा कि एक भी हैकर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सही गेम प्ले निकले। एंड ऊपर से बंदे यहाँ तो मेरे को हैकर समझ रहे होंगे, क्योंकि एक तो ये ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, दीवार के अंदर फंस गया अब, एंड इसके पहले जो हरकत हुई वो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में देख ली होगी, वेपन ही नहीं था हाथ में, पता नहीं क्या सीन था भाई। एंड अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसे कुछ मतलब ग्लिच चल रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताना, वो ग्लिच भी मेंशन कर देना ताकि भाई उस कमेंट को मैं फॉरवर्ड करके एंड देखते भाई थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के अंदर रहेगा गेम तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। सो अभी फटाफट चलते हैं यहाँ पर, तो ओके ड्यूअल गन्स उठा लेते हैं, ड्यूअल मैग्नम एंड लेट्स गो गेमर्स, फटाफट से बंदे को पेलते हैं। हियर वी गो मेले शॉट। अरे भाई यार ये बंदे लैग हो जाते हैं ना गेम के चलते चलते, अब मैं मर जाऊंगा, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरी हेल्थ कम होती जा रही है। देखो भाई फालतू की सीन होता है ये भी बंदा लैग कर रहा है। एंड यहाँ पर एक ये दो बंदे हैं, इसको पेल लेते हैं फटाफट से, थर्ड पार्टी किल निकाल लिया मैंने यहाँ पर एक। फटाफट चलते हैं ड्यूअल गन्स लेकर के ऊपर की तरफ एंड यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई, बंदे इतने ज़्यादा आइडल बन जाते हैं और रिटर्न टू द गेम होते रहते हैं, पता नहीं क्या सीन है। ऊपर से नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है इस मैच के अंदर, क्या सारे मैचों के अंदर यही हाल है, पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है। एंड सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जो गेम के अंदर खेल रहे हैं वो इस समय भाई आउटपोस्ट के अंदर है, 2000 या फिर क्या कहते हैं, मैंने 4000 लोग देखे थे एक्टिव। एंड उसके अंदर भाई जैसे ही मैच चलाए सब में हैकर भाई, पता नहीं क्या सीन है, कब जा करके ये ठीक होगा। एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम लोग हैक कर रहे हो प्लीज़ हैक मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा गेम, हैकर्स में के साथ खेल करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता एंड हैक करके खेल करके भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, गेम का यार वो स्ट्रैटेजी और फन खत्म हो जाता है। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि भाई तुम लोग भी हैक ना करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो तुम लोगों ने मेरे को लास्ट मंथ के अंदर दिखाया, 50,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन फॉर सम रीजंस आई कुडंट मेक एनी वीडियो, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी आ गए थे, फिर मेरे को फीवर हो गया था, सो इसी वजह से चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं। तो फटाफट चलते नीचे की तरफ, इस बंदे को पेलते हैं, बंदे को क्या थर्ड पार्टी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी लग रहा है ओके वो बंदा अभी भी लैग के सामने वहीं खड़ा है, इसने उसको पेल दिया, ओके वो बंदा उसको मारने के लिए जा रहा है, भाई क्या करके मारेगा, वो AFK है, ओके उसने मार दिया उसको। सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 8 किल्स हो चुके हैं, 1.5 मिनट का मैच बच रहा है, मेरे को नहीं लगता 10 किल से भी ज़्यादा हो पाएंगे, क्योंकि एक तो लैग चल रहा है और ऊपर से ये बंदा आग लेके घूमे जा रहा है। यार उसने हेल्थ किट उठा ली, गलत बात है यार ये, उसने हेल्थ किट एकदम टाइम पे उठा ली, मेरे को नेट फेंक देना चाहिए था पहले ही ऊपर। चलो कोई खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 किल मेरे हैं, 8 किल किंग के, देखते भाई कौन ऊपर आता है एंड ट्राई करते हैं कि भाई बढ़िया सा मैच निकल जाए। तो यहाँ पे चलते फटाफट से कटर लेकर के, एंड यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ऊपर मैंने वो देखी थी अभी, एक वो रहती है ना करंट वाली शॉक वाली गन जिससे बूस्ट खत्म हो जाता है, वो लेनी पड़ेगी मेरे को। ओके वो फालतू में वो माइंड एक्टिवेट हुई है, देखा तुम लोगों ने, फालतू में एक्टिवेट हुई है वो माइंड, होनी भी नहीं चाहिए थी। सो यहाँ पर मेरे तुम्हारे भाई के हो चुके हैं 9 किल्स, 1 किल और चाहिए भाई, 10 किल का टारगेट तो देखो रहता ही है अपने सिंपल से गेम में, तो 10 किल, अरे भैंस की टांग कहाँ फंस गया मैं। चलो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार कटर के पास स्पॉन कर दो 10 किल के, 12 किल तो निकाल ही लूँगा। सो बस एक बढ़िया सी जगह स्पॉन, ओके फाइनली ओके ठीक ठाक जगह पर स्पॉन करा है, लेकिन यहाँ पर अब मेरे को कटर नहीं मिलने वाला। ओके मिल गया, फटाफट चलते हैं कटर उठाते हैं एंड नीचे की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि राइट साइड में गया तो पूरा पता है वहाँ पे बंदे स्पॉन बहुत कम होते हैं, यहाँ पे कटर छोड़ देते हैं, चलते हैं नीचे की तरफ। ओके ये मिल गया फाइनली, यहाँ पर डालते हैं एक शॉक,
एक और शॉक यहाँ पे डालेंगे। ये लेवल अप करने से मैंने देखा है बंदों को डैमेज भी होती है। इसको पहलते इसको पहलते ओ बाय बाय बाय, क्या पॉइंट में मेरे को वो मिली। उसने जो स्प्रे करा ना, मेरा बंदा पीछे ज़्यादा चला गया एंड मेरे को वो हेल्थ किट मिल गई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर मैच भी खत्म हो चुका है। 10 किल हुए होंगे डेफिनेटली, लिख के चलो 10 किल ज़्यादा करे नहीं मैंने। ओके 10 किल यहाँ पर एंड कोई भी रिवॉर्ड भी नहीं मिला। नया ग्लिच से भरपूर हो चुका है गेम। और इस ग्लिच से भरपूर गेम को ठीक करने के लिए एक ही क्या कहते हैं एक ही सॉल्यूशन है। फटाफट जाकर के इस वीडियो पे लाइक ठोकना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि भाई फटाफट से इस गेम को फिक्स करा जाए डेवलपर से बात करके, एंड तुम लोग सपोर्ट करोगे तो ये काम और भी आसान बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।